भगतपुर के देवीपुरा शाही गार्डन में एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि आए एमएलसी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सैनी ने बैठक को संबोधन किया। बैठक के दौरान भगतपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी सतपाल सिंह सैनी ने संबोधन करते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया। सभी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बताते हुए आने वाले एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को सभी मतदाताओं से अपने हक में वोट करने की अपील की और सभी को विश्वास जताया कि मैं हर संभव आपकी समस्याओं को सदन में गंभीरता के साथ उठाऊंगा। मेरी पहली प्राथमिकता आपके गांव क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना रहेगा। मैं सभी यहां बैठे मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप बड़ी संख्या में मुझे वोट देकर सदन में भेजने का काम करें। आज ये बैठक चुनाव की दृष्टि से थी जो स्थानीय निकाय बरदवा बिजनौर सीट का चुनाव चल रहा है। बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, सभासद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य आमंत्रित थे। जैसा कि ब्लॉक प्रमुख साहब ने बताया, लगभग 96 पीडीसी के सदस्य, 50 से अधिक सम्मानित ग्राम प्रधान उपस्थित थे। तो अच्छी संख्या थी। मुझे लगता है कि सब भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, मुझको आशीर्वाद देने के लिए, मुझको सहयोग देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में और साथ साथ क्षेत्र के महत्वपूर्ण दायित्ववान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ में जिलाध्यक्ष भी हैं, महानगर के अध्यक्ष भी हैं, महानगर के महामंत्री भी हैं, तो सभी लोग प्रधान संघ के उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सब भी उपस्थित हैं। इसको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत विधानसभा के चुनाव में हुई, निश्चित रूप से इसी एमएलसी के चुनाव में भी कोई सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक तरफा प्रचंड जीत है। मीटिंग में लोग आए हुए थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी संदेश है, मुझे ज़्यादा कोई संदेश भी नहीं देना, मुझको तो आशीर्वाद देने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, चाहे योगी जी ने काम किए हो उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी ने कार्य किया, वो लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और सराहना करते हैं। और इसी विधानसभा के चुनाव में दिख भी गया कि निश्चित रूप से सरकार ने अच्छे काम करे, इसलिए दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। तो मुझे यही आपके माध्यम से कहना है कि आने वाली 9 तारीख को जो मतदान होना है, उस तारीख को सब मिलकर एक तरफा 100% मत, मुझे विश्वास भी है वैसे, वो आने वाली 9 तारीख को सत्यपाल सिंह के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना अमूल्य मत मुझको दें, दिलवाने का प्रयास करें। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मुझे सहयोग करने का कष्ट करें। धन्यवाद।